मसीह नमस्कार जोहार जय यीशु यीशु सहाय। तो आज आप लोगों के सामने फिर से गाना मैंने सुनाऊंगा, मेरी वाइफ सुनाएंगी, है ना। तो कंटिन्यू आप लोग भी बने रहिए और गाना को सुनिए, और आप लोग भी बता दीजिएगा कि गाना अच्छा लगा कि खराब लगा, कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोगों का हौसला और मेरी वाइफ का भी हौसला बुलंद होगा, है ना। भाई बहनों तुझ में संकट विपत्ति आवेगा, विश्वासी भाई बहनों तुझ में संकट विपत्ति आवेगा, संकट कर समय में विपत्ति कर दिनों में प्रभु तू कभी न भूलाना, संकट कर दिनों में विपत्ति कर समय में प्रभु तू कभी न भूलाना, उधर पावल भाई बहनों तुझ में संकट विपत्ति आवेगा, उधर पावल भाई बहनों तुझ में संकट विपत्ति आवेगा, संकट कर समय में विपत्ति कर दिनों में प्रभु तू कभी न भूलाना, संकट कर समय में विपत्ति कर दिनों में प्रभु तू कभी न भूलाना, चंगाई पावल भाई बहनों तुझ में संकट विपत्ति आवेगा, चंगाई पावल भाई बहनों तुझ में संकट विपत्ति आवेगा, संकट कर समय में विपत्ति कर दिनों में प्रभु तू कभी न भूलाना, प्रभु तू कभी न भूलाना, प्रभु तू कभी न भूलाना, प्रभु तू कभी न भूलाना। मेरा गाना को आप लोग सुने हैं, इस गाना का मतलब यही है कि हम परमेश्वर में रहते हैं तो भी हम लोग के ऊपर में कई संकट विपत्त आता है, तो हमें क्या करना है, प्रभु को नहीं त्यागना है ना कभी, हम प्रभु तो भी हमें परमेश्वर नहीं छोड़ते हैं, परीक्षा लेते हैं कि हम विश्वास में कितना मजबूत हैं, इसलिए परमेश्वर को हमें नहीं छोड़ना है क्योंकि परमेश्वर हमें संभालेंगे। इस दुनिया में देखते हैं कि कई लोग प्रभु को जान के थोड़ा सा दुख आता है तो परमेश्वर को क्या करते छोड़ देते हैं, पर हम लोग को ये सब करना नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमें इस, अभी तो हम थोड़ा सा दुख में है पर परमेश्वर हमें अनंत काल का सुख देने के लिए जा रहा है, इसलिए परमेश्वर को हमें कभी नहीं छोड़ना है। धन्यवाद।